हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये वीडियो और ये मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया था अपने रिसेंटली पार्टी में, तो जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं स्किन केयर से स्टार्ट करूँगी। मैंने लिया है प्लम का टोनर, जो मैंने अपने फेस पर स्ट्रेट स्प्रे किया है। उसके बाद मैं इसे अच्छे से स्किन में प्रेस कर रही हूँ। निविया का मॉइस्चराइज़र लगाया है और इसके बाद जो है मैं यहाँ पर काला बार का प्राइमर लूँगी। मैंने कोशिश करी है कि मैं आज की वीडियो में ज़्यादा फास्ट ना रखूं क्लिप्स, जितनी स्लो मैं कर सकती हूँ उतनी ही करूँगी। इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे मेकअप रेवोल्यूशन का मेरा करंट फेवरेट फाउंडेशन इन द शेड F4। इसका इन डेप्थ रिव्यू इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। और जहाँ भी मुझे एक्स्ट्रा कवरेज की ज़रूरत थी, इसे ब्लेंड करने के बाद मैंने एक बार और लगाया था, जस्ट लिटिल बिट, जहाँ पर भी मुझे ज़रूरत थी। अदरवाइज़ एक फुल कवरेज फाउंडेशन है जो कि जिसकी मुझे ज़रूरत है। इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर मेकअप रेवोल्यूशन का डिफाइन एंड कंसील या कंसील एंड डिफाइन कंसीलर, और मेरा शेड है यहाँ पे C4। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि आप जो हाइलाइटिंग कंसीलर ही यूज़ करें, क्योंकि फाउंडेशन आप ही के शेड का होता है, तो डार्क सर्कल हाइड करने के लिए आप फाउंडेशन लगा सकती हैं। मैंने लिया है ADS का बनाना पाउडर, जो कि मैं आपको दिखा नहीं पाई। उसके बाद मैं लूँगी रिमेल का स्टे मैट कॉम्पैक्ट इन द शेड 007 मोहेर, और इसे सेट करते हुए और जो भी एक्सेस पाउडर है उसे मैं डस्ट करूँ डस्ट ऑफ कर दूंगी जितना भी एक्सेस है, और साथ ही साथ मैं ब्लेंड भी करती जाऊंगी, लाइक स्किन में प्रेस करती जाऊंगी। मैंने ली यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड की ब्राउ पेंसिल, उससे मैं फिल किया है, और मेरा पूरी जो ब्राउ है वो मैं आपको लास्ट वीडियो नीचे लिंक में दे दूंगी, आप वहाँ देख सकती हैं। पैलेट के लिए ब्रॉन्जर के लिए जो मैंने पैलेट ली है वो है ये मेबलिन की कॉन्डोर्स पैलेट, जिसमें ब्लश, ब्रॉन्जर और आपको हाईलाइटर मिलता है। हमेशा नोज़ को अपनी आईब्रो से कनेक्ट करा करें ताकि वो बहुत ज़्यादा नेचुरल लगे। इसके बाद मैंने लिया है मेबलिन का चीकी ग्लो ब्रश इन द शेड सिनेमन, आई थिंक या सिनेमन, और जो भी एक्सेस है उसे रिमूव करके मैं इसे अपने ब्लश लाइक ब्लश लगाऊंगी अपने चेक बोन पे, लाइक व्हाटएवर क्या बोल रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे पैलेट के लिए मैंने वर्ल्ड वर्ल्ड की पैलेट ली है। उसके बाद जो उसमें ट्रांजिशन शेड है उससे ज़्यादा ट्रांजिशन शेड लगाने के बाद ब्राउन और बर्गंडी, जो भी आप इसे कहें, वो शेड लगा रही हूँ। मैंने यहाँ पे स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ किया है, आप चाहें तो एक फ्लैट शेडर ब्रश भी ले सकती हैं। इसके बाद मैंने ली है वेट एंड वाइल्ड की कलर आइकॉन कोल पेंसिल इन द शेड ब्लैक, और शायद इसका नाम कुछ और है बट ये ब्लैक कलर ही है। मस्कारा के लिए मैंने मेबलिन लैश सेंसेशन मस्कारा यूज़ किया है, ये वाटर प्रूफ वर्जन है, इसका एक वॉशेबल वर्जन भी आता है। इसे सेम लोअर लैश लाइन पर भी मैं अप्लाई करूँगी। इसके बाद मैंने हाईलाइटर के लिए सिवाना कलर्स का हाईलाइटर, ना ये हाईलाइटर काफ़ी अच्छा है, लाइक bomb.com है, बट अगर मैं ब्रश से इसे अप्लाई करूँगी तो ज़्यादा जो है इसमें किकबैक हो जाता है, और जो भी मैं हाईलाइटर ब्रश पे लेती हूँ वो डस्ट ऑफ हो जाता है हाईलाइटिंग करते करते। इसीलिए फिंगर्स का हेल्प करें इस हाईलाइटर को लगाते टाइम, तो आपको ज़्यादा पिगमेंट मिलेगी। और मैंने अब अपने फॉरहेड पे, अपने ब्राउ बोन पे और अपने इनर कॉर्नर्स में भी लगाया है। इनर कॉर्नर्स के लिए मैंने थोड़ा ब्राउनी शेड लिया है लास्ट वाला, और अपनी आईब्रो के लिए मैंने सेम सिल्वर शेड लिया है। एंड सॉरी फॉर द लाइटिंग, मैं शूट करते करते लाइट चली गई थी, तो इसी वजह से आपको ये थोड़ा सा दिक्कत आएगी इसे देखने में, बट स्टिल सॉरी फॉर दैट। लिपस्टिक के लिए मैंने ली है यहाँ पे हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक इन द शेड विक्सन, और ये बहुत ही अच्छा कलर है, चॉकलेटी ब्राउन कलर है। आई थिंक इसमें थोड़े से रेड अंडरटोन्स हैं, लाइक बर्गंडी काइंड ऑफ, बट स्टिल इट्स अ वेरी चॉकलेटी ब्राउन कलर। दिस इज़ माई फाइनल लुक, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।